हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आज मैं जिस एक्टर के बारे में बात करने जा रही हूं, आप कह सकते हैं कि वो बॉलीवुड की पहली ट्रांसजेंडर एक्टर हैं और जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस एक्टर का नाम है बॉबी डार्लिंग। आपने उन्हें 20s की फिल्मों में बहुत देखा होगा, लेकिन एक गे के किरदार में। आपने उन्हें मेल लुक में कई सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया और वह पूरी तरह से फीमेल बन गई, तो वो फिल्मों से अचानक गायब हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनसे जुड़ी हर तरह की खबरें मीडिया से मानो खत्म हो गई हों और उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी अचानक से बंद हो गया। जबकि पहले की तुलना में आज का सिनेमा ट्रांसजेंडर्स को लेकर ज़्यादा सपोर्टिव है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बॉबी डार्लिंग अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई। इन दिनों वो कहाँ हैं और उनके नाम का ऋतिक रोशन से आखिर क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। 10 जनवरी 1974 को दिल्ली के एक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पंकज शर्मा। पंकज शर्मा को शुरू से ही लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना और मेकअप करना बहुत पसंद था। जब वो 8वीं कक्षा में थे, तो वह पहली बार लड़कियों के कपड़े पहनकर अपने परिवार के सामने आए। उस वक्त उनके पिता का रिएक्शन यह था कि वह उनकी हरकत को देखकर काफ़ी चिढ़ गए थे, उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को जाने दिया। जब पंकज 12वीं कक्षा में पहुंचे, तो उनका अपने ही क्लास के एक लड़के से अफेयर हो गया। उनके माता पिता को जब इस बात की खबर लगी, तो उन्हें लगा कि उनका बेटा मानसिक रूप से या तो बीमार है या उस पर किसी तरह का जादू टोना किया गया है। सच को जानने के बावजूद और कहीं ना कहीं उसे समझने के बावजूद, उनके माता पिता इस सच को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा बेटी की तरह रहना चाहता है। वो पंकज को साइकोलॉजिस्ट से लेकर सेक्सोलॉजिस्ट तक दिखाने के लिए ले गए और उन्होंने मंदिरों के और झाड़फूक वालों के भी चक्कर लगाए, पर यह कोई बीमारी तो थी नहीं जो इलाज या किसी तरह से ठीक हो जाती। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही पंकज की माँ का किडनी फेलर हो जाने के कारण डेथ हो गई। पंकज के बॉयफ्रेंड ने भी उसके बाद उनसे ब्रेकअप कर लिया। दुनिया में केवल यही दो लोग थे जो उस वक्त तक उनकी इस स्थिति को थोड़ा बहुत समझते थे, और अब दोनों जा चुके थे। इसलिए पंकज डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। उस वक्त तो उनके पिता ने उनकी जान बचा ली, लेकिन अब भी वो अपने बेटे को उस रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं थे। वो पंकज को मारा पीटा करते थे ताकि उनका बेटा सुधर जाए या जिद छोड़ दे। पंकज के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जेब में 8,000 रुपये रखे और वह दिल्ली से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनके पास ना तो कहीं जाने की कोई जगह थी और ना ही कोई काम था, इसलिए 15 दिनों तक वह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर ही रहे। उसके बाद उन्होंने मुंबई के एक बार में एक गे डांसर की नौकरी कर ली। साथ ही साथ कुछ फिल्मों में एक्टिंग के लिए वह काम भी ढूंढने लगे। इंडिया में उस वक्त सेक्स चेंज कराकर लड़का से लड़की बनने का एग्जाम्पल ना के बराबर था, और अगर ऐसा संभव था भी तो वह ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो उस वक्त किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक ट्रांस वुमेन का कैरेक्टर को एज्यूम करना या उस तरह के रोल क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस तरह पंकज के पास फिल्मों में गे किरदार चुनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, और चूंकि उस वक्त उन्होंने अपना जेंडर भी चेंज नहीं करवाया था, तो वो गे किरदार में फिट भी बैठ जा रहे थे। पंकज का बचपन का नाम बॉबी था और उन्होंने अपना स्क्रीन पर अपना नाम बॉबी ही रखा, और कई लोग इसी से मिला जुला नाम उन्हें सजेस्ट कर रहे थे, जैसे कि कोई कह रहा था कोई बॉबी चिकना नाम रख लो, कोई बॉबी सेक्सी, कोई बॉबी हॉट वगैरह वगैरह। पंकज ने अपना करियर बॉबी नाम से ही कंटिन्यू रखा। साल 1999 में उन्हें पहली फिल्म मिली ताल, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय के मेकअप आर्टिस्ट का रोल किया था। बॉबी जब ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म ना तुम जानो ना हम में काम कर रहे थे, तो ऋतिक उन्हें प्यार से डार्लिंग बुलाते थे। बॉबी को यह टर्म बहुत ही कैची और फैसिनेटिंग लगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम बॉबी डार्लिंग रख लिया। तो इस तरह पंकज शर्मा बॉबी बने और फिर बॉबी से बॉबी डार्लिंग बन गए। बॉबी डार्लिंग ने अब तक 50 से भी अधिक फिल्मों और 15 से भी अधिक टीवी सीरियल्स में काम किया है। फिल्मों में 18 बार गे रोल निभाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज भी है। बॉबी डार्लिंग की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2009 में एक टीवी शो सच का सामना में उनके पिता ने उनकी इस नई पहचान को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन यहाँ से अब बॉबी डार्लिंग की ज़िंदगी बदलने वाली थी। बॉबी का नाम अब तक कई लोगों से जुड़ा था और कई लोगों के साथ उनकी अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, जैसे कि साल 2007 में एक मॉडल थे सुरमीत जगदीश सिंह, उन्होंने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था, यहाँ तक कि उनके खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी थी। साल 2009 में बॉबी ने यह दावा किया था कि उनका अफेयर क्रिकेटर मुनाफ पटेल के साथ है। हालांकि मुनाफ ने इसे एक र्यूमर बताया और कहा कि ज़बरदस्ती उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा है।
बॉबी ने इस पर कहा कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए कि ये रिश्ता वाली बात झूठी है। बॉबी डार्लिंग अब काफ़ी पैसा कमा चुकी थी और अब वो नए रिश्ते और नए शरीर के लिए तैयार थी। साल 2010 में उन्होंने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई और बाद में उन्होंने विदेश जाकर अपना जेंडर भी चेंज करवा लिया। साल 2016 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और भोपाल के बिजनेसमैन रमनीक शर्मा से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर पाखी शर्मा कर लिया। लेकिन शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था कि बॉबी डार्लिंग ने अपने पति के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर दी। साथ ही साथ पुलिस में एक FIR दर्ज भी करवाई, जिसमें उन्होंने कंप्लेन किया कि उनका पति ना केवल उनको धोखा दे रहा है बल्कि वह वायलेंट भी है, उनसे दहेज की भी डिमांड कर रहा है और उनसे अननेचुरल सेक्स की भी डिमांड करता है। मई 2018 में रमनीक को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रमनीक की बेल भी कैंसिल कर दी गई। हालांकि अभी तक दोनों का तलाक नहीं हुआ है और इस मामले की सुनवाई अभी बाकी है। बॉबी डार्लिंग की जेंडर चेंज कराने के बाद और शादी टूट जाने के बाद अब वह फिल्मों में नजर आनी बंद हो गई थी। शादी की कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान मीडिया ने उन्हें खूब कवर किया था, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। अभी हाल ही में एक मीडिया हाउस ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें पता चला कि वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। बॉबी डार्लिंग ने इंटरव्यू में बताया कि वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ हैं। वह फिल्मों में नज़र इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उन्हें अभी भी गे वाले किरदार ही ऑफर हो रहे हैं, और ये गे किरदार जो होते हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता है बल्कि उन्हें अपना ही मजाक उड़ाने को कहा जाता है। बॉबी कहती हैं कि वो ना तो गे हैं ना ही ट्रांसजेंडर हैं, अब वो एक ट्रांस वूमेन है या फिर एक पूरी तरह से औरत है, इसलिए अब वह वही रोल एक्सेप्ट करेंगी जिसमें उन्हें ट्रांस वुमन दिखाया जाएगा या फिर वुमन दिखाया जाएगा। दूसरी बात यह कि अब वो LGBTQ कम्युनिटी का किसी भी तरह से मजाक उड़ाना या उन्हें ह्यूमिलेट करना नहीं चाहेंगी। उनका कहना है कि पहले सोसाइटी में इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस बहुत ही कम था, तो ऐसे रोल करना उनकी मजबूरी हुआ करती थी जिसमें वह अपने ही गे का अपने ही नेचर का मजाक उड़ाती थी। लेकिन अब फिल्मों के साथ साथ सोसाइटी में भी इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ी है और वह फिल्मों में इससे जुड़े अब सीरियस रोल या फिर सीरियस मैटर पे ही काम करना चाहेंगी। वो बताती हैं कि जो एक्टर कभी सेट पर उनके ट्रांस लुक को या फिर उनके ट्रांस बिहेवियर को लेकर मजाक उड़ाया करते थे, आज वो लोग खुद ही ट्रांसजेंडर बनकर पर्दे पर नजर आ रहे हैं। जब उनसे फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वर्किंग डेज में काफ़ी समझदारी से सेविंग्स की थी और अभी वही सेविंग्स उनके काम आ रही है। साथ ही साथ वह छोटे मोटे इवेंट्स और पार्टीज भी करती हैं जिनका उनको पैसा मिलता है। बॉबी डार्लिंग से जब उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा लड़का पसंद आता है तो वह उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जरूर रहना चाहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।